दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो ये बताइए कि आज क्या डेट है? 13 फरवरी? नहीं, मैं आप सबको वैलेंटाइन डे याद नहीं दिलवा रही हूँ। उसके अलावा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी जो निकल चुकी है, लेकिन उस डेट में क्या क्या हुआ और क्या क्या होना चाहिए था, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट में क्या क्या हुआ, ये सब विस्तार से मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फाइनली 12 तारीख का कमिटमेंट करते करते क्रेजी कज़न को ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। एंड फाइनली उनकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है, क्योंकि क्रेजी कज़न ने बहुत डेयरिंग काम कर लिया है दोस्तों। तो आप जानते ही हैं कि क्रेजी कज़न इससे पहले भी कई बार बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाली हरकतें कर चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने 2 महीने से यही राग अलापा हुआ था, बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत पोल खोलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्रेजी कज़न ने इतने झूठ बोले हैं कि इस बार उन पर विश्वास करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार तो क्रेजी कज़न ने कमाल ही कर दिया। क्रेजी कज़न ने वाकई में 12 तारीख का कमिटमेंट अपना पूरा कर दिया है, और 12 तारीख की वीडियो रात के 12 बजने से पहले पहले, यानी कि 1 घंटे पहले 13 तारीख लगने से पहले क्रेजी कज़न ने अपनी वीडियो कर दी है पोस्ट। और उस वीडियो में उन्होंने शुरुआत कर दी है मैडम और जनाब की मुंबई की धरती हिलाने की, या ये बोलिए उनके 5 BHK फ्लैट्स की दीवारें हिलाने की, क्योंकि इस बार क्रेजी कज़न के सपोर्ट में उतरे हैं उनके चाचा भी और उनके पापा भी, बोला जाए तो जनाब के खुद के सगे मामा, एक भी नहीं दोनों मामा मैदान में उतर चुके हैं पोलम पट्टी खोलने के लिए। तो क्या हुई ऐसी बात कि क्रेजी कज़न इतना तिलमिलाते हुए गुस्से में आए और उनके साथ साथ उनके दोनों मामा भी पहुंच गए हैं पोल खोलने के लिए? क्योंकि जब जब क्रेजी कज़न ने मुंह खोलने की कोशिश की, हमेशा उनको रोकने वाले उनके खुद के फादर और मदर ही होते थे कि रुक जाओ, ना करो, डिलीट कर दो। लेकिन इस बार वो लोग खुद मैदान में उतर पाए हैं। ऐसा क्या कर दिया मुंबई वासियों आप लोगों ने कि यहाँ पे मौदा में आपके सब एंटी हो गए हैं? तो हुआ कुछ यूँ कि इनके एक मामा की बेटी की थी शादी, यानी कि जनाब और मैडम के और डब्बा की कज़न की शादी। अब कज़न की शादी में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं शायद क्रेजी कज़न भी 12 तारीख का यही इंतज़ार कर रहा था कि देखते हैं मुंबई से कौन पधारता है। लेकिन हमेशा की तरह अपने लेवल का नहीं समझते मुंबई वासी अपने आप को, इतना हाई फाई और सो कॉल्ड सेलिब्रिटी समझते हैं कि वो कहाँ जाएंगे रिश्तेदारी निभाने के लिए। तो मुंबई से कोई भी अपनी बहन की, मामा की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए नहीं आया। मुंबई से छोड़ो, मौदा में रहने वाली बहन जो आए दिन मौदा में एक के घर, दूसरे के घर, तीसरे के घर जाके कंटेंट बनाती रहती है, वो भी अपनी खुद की कज़न की वेडिंग अटेंड करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसके अलावा अगर बात करें कि और कौन शादी में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इनके मामा को इतना ज़्यादा बुरा लग गया, उन्हें इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ कि वो लिटरली वीडियो में रोने ही वाले थे, उनकी आवाज़ दब चुकी थी, इमोशंस निकल चुके थे। तो और जनाब और मैडम के प्रेशर की वजह से, धमकियों की वजह से नानी, यानी कि उन बच्चियों की दादी भी शादी में नहीं आई। सोचिए कि उनको किस कदर धमकाया गया। ये खुद इनके मामा ने अपनी ज़ुबानी में बोला है कि दादी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनको वहाँ से धमकाया गया, उनको दहशत दी गई कि शादी में नहीं जाना। मतलब एक दादी को उसकी खुद की पोती की शादी में जाने से रोक दिया गया, वो भी किसने? जनाब और मैडम ने, जो रिश्तों का हवाला देते हैं, जो रिश्तों की बातें करते हैं, जो रिश्तों की इम्पोर्टेंस और वैल्यू समझाते हैं, उन्होंने खुद एक बच्ची की शादी में उसकी दादी को आने से रोक लिया। भैया किस हक से रोका? नानी तुम्हारी है तो दादी उनकी भी है। तुम रहते हो मुंबई, वो रहती हैं मौधा। कल उनकी कोई तबीयत ख़राब होगी, ऊंच नीच उनके साथ होगी, तो तुम मुंबई से दौड़े चले नहीं आने वाले हैं। उनके खुद के बेटे ही अपनी माँ के पास जाएंगे।
और माँ को डरा धमका के बच्चों के खिलाफ कर देना, ये संस्कार और ये वैल्यूज़ हैं इन लोगों की, जो टीवी में जाके शो में जाके माँ का प्यारा प्यारा बेटा, भैया अगर तुम किसी के प्यारे प्यारे बेटे हो तो वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो उनके बेटे हैं। सारे इमोशन सारे रिश्ते सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे तीन चार लोगों के बीच के ही हैं, बाकी दुनिया में किसी के कोई रिश्ते नहीं हैं। तो ये चीज़ें सुन के और देख के बुरा लगा कि ये क्या चल रहा है। हमें लगता था कि ये क्रेज़ी कज़न हमेशा की तरह आता है और कुछ भी बोल के चले जाता है, कौन ही इनकी बात का बिलीव करे। लेकिन उनके पापा और उनके जो चाचा वो उम्रदार लोग हैं, एक बच्ची की शादी करके जस्ट फ्री हुए हैं एक दो दिन पहले ही, और अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। खैर उन्होंने बोला है कि अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकवर्ड होने वाली हैं, जो वहाँ पे एक्चुअली में माहौल चल रहा है। मतलब यहाँ से दूर मौदा से दूर मुंबई बैठे हैं, लेकिन फिर भी पूरा कंट्रोल मौदा और मौदा के लोगों के ऊपर अपना कर रखा है। किस बात का डर बैठा रखा है नानी के दिल में, और नानी इनसे क्यों डर रही है? क्या नानी इनके दो सूटों में बिक गई है, या इनके दो चमचे दो पायल इनमें बिक गई है? भैया नानी उम्र देख लो अपनी, 90-95 की एज हो चुकी है आपकी, और अगर इस उम्र में भी आपके पास अपनी खुशी चुनने की आज़ादी नहीं है तो फिर आप क्या कर रही हो ज़िंदगी में? आप कुछ भी नहीं कर रही हो। आपके पास आपके वो मुंबई वाले कभी भी नहीं आने वाले। आपके घर की स्थिति तो उन्होंने आज तक कभी ठीक नहीं कराई। आप कैसे सोती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे खाती हैं, कहाँ रहती हैं, आज तक उसका रेनोवेशन भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नानी ने उनके डर में आके अपने खुद के बेटे की बेटी, अपनी खुद की पोती की शादी में ना जाके ना एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, जो ये दिखाता है कि आज की डेट में रिश्ते ना पैसों के आगे बिक चुके हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसे वो दुनिया में किसी को भी खरीद सकता है, वो कोई भी रिश्ते खरीद सकता है। तो आखिर में ये चल क्या रहा है? और डब्बा, डब्बा की तो कज़न थी ना, डब्बा तो मौदा में ही थी, डब्बा ने क्यों शादी अटेंड नहीं करी? डब्बा ने एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया शादी का? जहाँ डब्बा जमशेदपुर की शादी का पिछले दो महीने से हल्ले मचा रही है, वहाँ पे अपनी खुद की सगी कज़न की अगर शादी थी तो उसका एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्यों कोई गिफ्ट नहीं दिया गया? चलो शादी अटेंड नहीं भी करी थी तो कोई गिफ्ट क्या इन लोगों ने अपनी तरफ से उस बच्ची के लिए भेजा जिसकी शादी हुई? मुझे नहीं लगता कि भेजा होगा। तो इस बार क्रेज़ी कज़न ने अपना वादा दोस्तों पूरा कर लिया है और एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। बट बस अब डर सिर्फ इस बात का है, उनके कमेंट सेक्शन में लोग भी इसी चीज़ से डर रहे हैं कि क्रेज़ी कज़न ने डेयरिंग तो काफ़ी बार दिखाई है, लेकिन दो दिन के बाद उनकी डेयरिंग और उनका मुंह और उनकी वीडियो सबको शट कर दिया जाता है, वापस से शट डाउन कर दिया जाता है। बट इस बार घर के बड़े भी इन्वॉल्व हो गए हैं इस एक्सपोज के प्रोग्राम में। तो चलो घर के छोटों को तो जनाब डरा देते थे बड़ों का हवाला देके, लेकिन अब घर के बड़ों को कैसे डराएंगे जनाब? खैर जनाब तो जनाब है, डरा भी सकते हैं। जिस तरह 90-95 ईयर्स की अपनी नानी को डरा दिया, जिनकी ज़िंदगी के शायद अब कुछ ही साल बचे होंगे और वो खुल के अभी भी फ्रीली अपनी खुशी से कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो बाकी लोगों को डराना तो फिर इनकी फितरत या इनकी वही होगी। तो ये है कुछ सिनेरियो जो कल वीडियो के थ्रू मुझे पता चला। आई थॉट कि फटाफट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि जो अंधभक्त हैं उनको भी ये रियलिटी चेक मिले कि जो आप व्लॉग में देखते हो वो एक्चुअल में होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, और जब वो दिखता है तो वो डिलीट करवा दिया जाता है। और रिश्तेदार हैं कुछ तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो बस इस बात का जवाब दे दो कि क्यों दादी अपनी पोती की शादी में नहीं गई, क्यों एक ही जगह आसपास रहने के बावजूद वो अपनी पोती की शादी अटेंड करने नहीं पहुंची? बस इस बात का जवाब दे दो, बाकी फिर आप जो बोलेंगे वही होगा। जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, सब कुछ समझती है, अच्छा बुरा सब जानती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।